यू सी, आई हैव सीन बांग्लादेश और क्वाइट अ फ्यू टीम्स, यंग टीम्स स्पेशली, जब वो आती है वो सेलिब्रेशन ऐसे करती है कि जैसे दोबारा सेलिब्रेशन होनी नहीं है. इट शुड बी सटल, इट शुड बी एंजॉय योर सक्सेस, बट मेक श्योर इट्स नॉट ओवरबोर्ड. ट्वेंटी के साथ कह रहा हूं यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था. कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब है, और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लेटन डास्क ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा. बड़ी और छोटी टीम में फर्क पता क्या है, बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पर खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे. आप इंडिया की एग्जाम्पल देख लीजिए, खत्म शुरू होते ही खत्म हो गया. ये क्या हो रहा है भाई साहब, पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना उनके सामने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बैटर्स की एक भी नहीं चलने वाली है, एक भी नहीं चलने वाली बांग्लादेश के बैटर्स की. ऐसा लग रहा है वो बैटिंग करना भूल गए हैं या फिर वो जो है डांस करने के लिए मैदान में आए हुए हैं इंडिया के बॉलर्स के सामने. इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है वो वाजे फर्क ये नजर आता है कि इंडिया कमबैक करना जानता है और इंडिया ने क्या कमाल किस्म का ठोस कमबैक किया. लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खलास करके रख दिया है. इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग. आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई. हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जैसे कहते ना कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ. लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़कर एक बॉलर मौजूद है, यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा. सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई, क्या करता है ये समझ ही नहीं आ रही. इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए हैं, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा. अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना, वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही हैं, तो वहां से नीचे से कैसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई. तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एजुज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर एक दो चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली, बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती, 4-5 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है. आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर, अगर हम पहले दिन की बात करें 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे, मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्वन, बट अश्वन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया बांग्लादेश ने, ज्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया. फिर क्या हुआ जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर आकाश दीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली, 13 ओवर्स के अंदर महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी, 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमिनुल हक भी हो चुके थे, शांतो भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे. नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा वो वाला कामयाब नजर आ रहा है और बिल्कुल प्लस नजर आ रही है बांग्लादेश की बैटिंग. और बांग्लादेश शायद भूल गया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया की टीम है, ये 26 पे 6 आउट करने के बाद जो हमें मौका नहीं देंगी. पाकिस्तान ने आपके 26 पे 6 आउट कर लिए और उसके बाद जो 265 खा लिया था, लेकिन ये इंडिया की टीम है, ये आपके अगर जो 40 पे 5 आउट करेगी ना तो अगले जो आप 60-70 के अंदर आपको ऑल आउट करके साइड पे भेज देगी. जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया. खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है. अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना. ओ भाई साहब जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था, आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है. आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था. बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे. आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले. सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई. यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या, और मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे. इट्स अ टेस्टमेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की. इंडिया ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की, इंडिया पे एक इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के, स्पिन विकेट बना के. लो जी इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है. तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा लेकिन ये शायद के जरूरी था. पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं.
हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है इंडिया में आके, हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जब बारी आएगी, मतलब आप इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि आप इंडिया की बॉलिंग बॉलर वही है मगर एक नया रूप बन चुका हुआ इनका। आप सोचिए अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। काश दीपिका हैं, 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, एक मैच पहले वो खेल चुके इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। और खास बात ये दोस्तों, जब ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाएं और नीचे से पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी लिटन दास की और शाकिब अल हसन की, तो वहां पे स्पिनर आ गए, जडेजा ने उनको विकेट निकाल दी। लेकिन इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक अगर कोई है ना वो इंडिया का है, और जसप्रीत बुमराह भाई साहब, किसी बंदे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बंदा दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, हर लिहाज से बुमराह बेहतरीन है भाई। इंडिया ने कमबैक किया, यही होती है अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है, अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है, 40 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई उनकी टेल ने, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है एटलीस्ट। जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है, सिंपल रिस्ट लॉक एंड लोड करनी है, सिंपल सी सीम पोजीशन के ऊपर तवज्जो देनी है, सीम के ऊपर बॉल को पिच कराना है, पहले आपने पहला ओवर करना है तो आपने इनवर्ड एंगल के साथ बॉल को आउटसाइड द वाइड लाइन को आपने पिच करना है, सेकंड ओवर कराना है तो आउटवर्ड एंगल के साथ अपने बॉल्स को निप बैक इन कराना है और क्लासिकल डिसमिसल्स हासिल करना है। लेकिन जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोज में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपाक में खेले जा रहे टेस्ट का आज दूसरा दिन है और भारतीय टीम की पहली पारी 376 पर समाप्त हो गई थी। वहीं रविंद्र चंद्र अश्विन ने टेस्ट करियर में 6ठा शतक लगाया था। फिलहाल दूसरे दिन का खेल जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम 47.1 ओवर में 149 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने पहली पारी में 227 रन की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं शकीब अल हसन ने सबसे बड़ी पारी खेली, उन्होंने 64 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके की मदद से सबसे ज़्यादा 32 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए। इसी के साथ ही बुमराह ने 400 इंटरनेशनल क्रिकेट पूरे कर लिए हैं। वहीं भारत की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और टीम इंडिया ने रोहित के रूप में एक बार फिर अपना पहला विकेट सस्ते में गवा दिया। आज की पारी में भारतीय टीम ने 81 रन बनाए। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।